नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार मेष राशि फला देश अराइज मून साइन चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं 15-8 से लेकर 15-9-2021 मेष राशि का प्रभाव ये मंथ के अंदर कैसा रहेगा। चंद्र कुंडली मून साइन से मेष राशि अराइज की बात कर रहे हैं। यहाँ चंद्र कुंडली से देखते हैं कि आपका गोचर 30 डेज का कैसा रहेगा। सबसे पहले मंगल, आपकी कुंडली का मेन हीरो मंगल लग्नेश है, राशि कुंडली से बात कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली अलग हो सकती है लेकिन यहाँ राशि से भी देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह मजबूत है, कौन से ग्रह स्ट्रांग है। कुंडली दोनों तरीके से देखी जाती है, एक लगन कुंडली और राशि कुंडली। यहाँ राशि कुंडली में गोचर में 30 डेज मंगल जाके बैठेगा यहाँ 6th हाउस में बुध के साथ। बुध कन्या राशि का चलने वाला है, यहाँ बुध बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। बुध का जो प्रभाव है वो आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कन्या राशि के बुध स्वर्ग ही माने जाते हैं, खुद की राशि के माने जाते हैं। तो यहाँ ये बुध आपको मंगल के साथ बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति से काम लेने के लिए आपकी सूझबूझ बहुत बढ़िया चलेगी। अभी यहाँ गुरु ऑलरेडी 11th हाउस में चल रहे हैं और सूर्य महाराज 5th हाउस में चल रहे हैं और शनि बैठे 10th स्थान में, राहु 2nd हाउस में, ऑलरेडी केतु 8th स्थान में, शुक्र तुला राशि के, ये शुक्र 6 तारीख से यहाँ आने वाले हैं। सितंबर की 6-7 तारीख के करीब करीब शुक्र का भ्रमण तुला राशि में होने वाला है। ये तुला राशि के शुक्र आपकी कुंडली में धन के स्वामी होते हैं। इस टाइम पर ऐसा बोला जाएगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाएगा कि आपके पास धन काफ़ी मात्रा में आ सकता है, पैसे काफ़ी मात्रा में आ सकता है। आप अगर कोई वायदा बाजार लॉटरी सट्टे से जुड़े हुए व्यक्ति पर्सन है तो आपके लिए मौका सुनहरा है। आप ये मौका आपके हाथ से जाने मत दीजिए। इस टाइम पे आपको कोई बड़ा बल्ब में पैसा हाथ लग सकता है, आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु ऑलरेडी लाभ स्थान में चल रहे हैं और शनि खुद चल रहे हैं अपने स्थान में, कर्मेश खुद कर्म स्थान में। शनि यहाँ बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं आपके 10th स्थान में, इसलिए यहाँ बोला जाएगा कि आपको पैसा धन का बहुत बड़ा कोई गेन लाभ मिलने वाला है। यहाँ लाभ की सिचुएशन बहुत बढ़िया बन रही है आपकी। ये 30 डेज के अंदर आपके संतान रिलेटेड काम बनेंगे, संतान के अभ्यास के अंदर आप ध्यान दोगे, या कोई व्यक्ति पर्सन जो स्टडी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग है, तो उनकी स्टडी के यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे। उनके लिए कुछ आगे का प्लानिंग होगा, कुछ आगे पढ़ाई करनी है तो वो कौन सी फील्ड में जाने के, ये सब इस टाइम के ऊपर तय होगा। ये टाइम में ये सब सिचुएशन फील्ड की बनेगी, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए पढ़ाई के लिए, वो भी बन सकता है। आपके बेटे बेटी हैं तो उनकी शादी ब्याह के रिश्ते इस टाइम पे आ सकते हैं, या इनकी शादी ब्याह के रिलेटेड आपको ध्यान देना पड़ सकता है। बड़े भाई बड़े बहन के पीछे भी आपको अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है ये सिचुएशन के अंदर। ओवरऑल देखेंगे तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ गुरु खुद लाभ स्थान में है और शुक्र तुला राशि के है। आपके खुद चंद्र को देखेंगे, आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी इस टाइम पे। मेन जैसे मैंने बताया, ये जो बातें हो रही है मेन खास करके पैसे, इस टाइम पे आपको अचानक कोई धन लाभ बन सकता है, अचानक कोई लॉटरी लग सकती है, कोई अचानक आपके लिए कोई बड़ी प्रपोजल आके आपका फ़ायदा नफा गेन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र धन का स्वामी भी बहुत बढ़िया है। गुरु लाभ स्थान में चल रहे हैं, शनि खुद कर्म स्थान में चल रहे हैं और बुध खुद कन्या राशि के, ये सब बहुत ही अच्छे योग चल रहे हैं। अभी ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जो लास्ट टाइम गया महीना, इसमें आपने काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदी होगी या परचेस की होगी, या नए घर में जाने का आपको मौका मिला होगा, नई ऑफिस के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया तो उसमें जा सकते, या नई जॉब या बिजनेस, ये सब लास्ट महीने में बनी हुई चीज़ें हैं या इसके आगे की बात है। तो यहाँ अभी पैसा धन वैभव संतान से लगती
समस्या या संतान से लगते पॉइंट समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गुरु बैठा हुआ है। गुरु बैठने से ही व्यक्ति पर्सन को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसलिए ओवरऑल देखेंगे तो ये पीरियड आपके लिए लाभ धन पैसा का आगमन का पीरियड है। ऐसे और कीरियड लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।